राधे कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं अपनी यूट्यूब चैनल क्यूट कानांची पे। तो आज हम ठाकुर जी के लिए कुछ इस टाइप की बहुत ही सुंदर सी ड्रेस बनाएंगे, जिसमें हमने यहाँ पे दो कलर का जो कंट्रास्ट में फैब्रिक यूज़ किया है। आप कोई भी कलर की ऐसे बना सकते हो ड्रेस। और इसमें जो है साइड में मैंने फ्रिल लगाई है, विदाउट बकरम ये ड्रेस है। तो ये ठाकुर जी के लिए जो है समर्स के लिए कम्फर्टेबल है। तो बहुत ही सुंदर सी ड्रेस जो है हम फटाफट से बनाना सीख लेते हैं। ये एक तो आपने क्या ध्यान रखना है कि ये वाली जो ड्रेस की लुक है वो वेस्टर्न वियर रहेगी, मतलब जो पाँच नंबर के जो ठाकुर जी है वो 7 या मैक्सिमम 8 इंच का घेरा पहनेंगे, तो उसके हिसाब से हम ये वाली ड्रेस बनाएंगे। और सेकंड थिंग है कि इसमें ड्रेस में हमने फ्रिल लगाई है, प्लस कॉटन की ही लेसिस का यूज़ किया है और बकरम नहीं यूज़ करनी। तो इसीलिए आप जो है आपके घर में जो भी कपड़ा अवेलेबल रहता है, अगर आपके पास कोई भी पीस बचा हुआ है तो आप उनमें से भी बना सकते हो ये वाली ड्रेस। तो आइए फटाफट से ड्रेस जो है बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो है ड्रेस बनाने के लिए कोई भी फैब्रिक ले लेना है कॉटन का, क्योंकि समर्स चल रहे हैं तो ठाकुर जी को जो कॉटन कंफर्टेबल रहता है। तो आज मैं यहाँ पे ले रही हूँ वाइट कलर का फैब्रिक, क्योंकि ये वाली ड्रेस मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ तो दो ड्रेसेस मेरे कोई काम नहीं आएंगी। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने लिया है वाइट कलर का फैब्रिक और इसमें हमने लगानी है साइड में फ्रिल। तो फ्रिल बनाएंगे हम पिंक कलर के फैब्रिक की, पिंक कलर का टेडी बियर प्रिंट में मैंने बहुत ही सुंदर सा फैब्रिक लिया है। और ये जो फैब्रिक है पिंक कलर का, उसकी मैंने एक फ्रिल बनानी है। तो उसके लिए इसकी मैंने एक स्ट्रिप कट करनी है लॉन्ग साइज़ की, मींस 1.5 या 2 मीटर की फ्रिल जो स्ट्रिप लेंथ में, और इसकी जो विड्थ है वो हमारी रहेगी 3 इंचज़ की, 3 इंचज़ की विड्थ, और 38 इंच भी ले सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने जो ये वाली प्लेट्स है वो कितनी कितनी दूर बाद डालनी है। तो यहाँ पे आप 1 मीटर भी ले लोगे तो भी चल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने जो है फ्रिल कट कर ली है, ये जैसे कि मैंने आपको बताया इसकी मैंने 2 मीटर की, मतलब 38 इंच की मैंने 2 स्ट्रिप्स कट करी है 5-6 नंबर के ठाकुर जी के लिए। तो इस 3 इंचज़ की ये जो फ्रिल है मैंने इसको इस तरह से जो है डबल फोल्ड किया, तो ये 1.5 इंचज़ की रह जाएगी। उसके बाद हमने इस तरह से इसमें जो है काफ़ी दूर छोड़कर इस तरह से प्लेट्स मैंने डालनी है। और जो हम प्लेट्स डालेंगे ज़्यादा भीड़ी नहीं डालेंगे, मतलब ज़्यादा पास पास हमने डालने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स आप ध्यान रखिए कि यहाँ पे एक जो है प्लेट ऊपर वाली कंप्लीट हो रही है, यहाँ पे दूसरे वाली स्टार्ट करिए, फिर तीसरे वाली जो हमने स्टार्ट कहाँ पर करनी है जहाँ पर सेकेंड वाली ख़त्म हो रही है। तो कुछ इस तरह से हम जो है प्लेट्स डालकर एक ये वाली जो है स्ट्रिप रेडी कर लेते हैं। और ये जो स्ट्रिप का साइज़ रहेगा वो रहेगा हमारे ठाकुर जी के घेरे, जो राउंड वाला घेरा है डायमीटर उसके इक्वल रहेगा। तो उसके हिसाब से हम ये वाली जो है फ्रिल फटाफट से स्टिच लगाकर रेडी कर लेते हैं। तो ना ये देखिए, हमने जो है ये वाली फ्रिल को रेडी कर लिया है। ये वाली जैसे ही फ्रिल को रेडी कर लेते हैं हम, एक साइड में कोई भी आप साइड ले लीजिए, क्योंकि ये वाला वाइट कलर का फैब्रिक है, दोनों साइड से स्ट्रेट है, मतलब प्लेन है, एक जैसा है, उसमें कोई भी रिवर्सिबल या जो है फ्रंट साइड नहीं बनती। तो इसके मैंने एक मतलब डायमीटर के ऊपर इधर साइड से यहाँ तक मैं हाफ तक कट किया है। यहाँ पे भी हम एक सर्कल का एक्स्ट्रा कट कर लेंगे ठाकुर जी का कमर जो है डालने के लिए। और इस तरह से मैंने यहाँ पे स्टिचेस लगाकर इसको जो है लगा लेना है घेरे के ऊपर। कुछ इस तरह से ये वाली फ्रिल लग जाएगी और एक्स्ट्रा फ्रिल जो भी हमारी 1½ इंच जो भी बचेगी उसको कट कर देंगे। और उसके ऊपर हमने जो ये वाली एक लेस ली है, ये भी कंट्रास्ट में हमने मैच करके ये यहाँ के ऊपर मतलब फ्रिल के ऊपर इस तरह से लगानी है, ताकि फ्रिल का भी कोई भी स्टिच ना दिखाई दे और बेस का भी। तो इस तरह से हम इसको कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हल्के हल्के साइड्स को फोल्ड कर देंगे। और साइड्स को फोल्ड कर देने के बाद ये वाली स्ट्रिप्स दोनों को मैंने एक साथ जॉइंट करना है, क्योंकि जब भी हम ठाकुर जी को पहनाएंगे तो इतनी जो है लेंथ बहुत रहती है ठाकुर जी को पहनाने के लिए, प्लस यहाँ का घेरे का भी जो है होल आ जाएगा, तो उसमें से हम ठाकुर जी को इजीली पहना पाते सकते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ ये वाला जो पूरा कवर कर के स्ट्रिप लगा देनी है और यहाँ से हल्का हल्का फोल्ड करके हेमिंग कर देनी है। और उसके साथ ही ये वाली लगा देती हूँ मैं लेस। कुछ इस तरह से फ्रिल लगाने के बाद यहाँ का वाला जो है होल में का जो है उस सर्कल निकाल लूँगी, ताकि हमारे ठाकुर जी की इसमें कमर आ जाए। और इसलिए इसको मैंने डबल इस तरह से फोल्ड करना है, यहाँ से मैंने कट लगाना है और 1/4 कट लगाना है राउंड में। और इस तरह से ये जो ठाकुर जी की कमर का होल बनकर आ जाएगा। और अभी मैंने यहाँ पे क्या करना है, हेमिंग करनी है और एक्स्ट्रा जो फ्रिल है हमारी 1-2 इंच की जो भी बढ़ जाती है उसको कट कर देंगे। और उसके साथ ही इन दोनों को मतलब जॉइंट कर लेना है। और यहाँ पे एक मैंने स्ट्रिप ऐड कर देनी है, ऐसे ही आप कोई भी पतली सी स्ट्रिप ले लीजिए, उसको डबल करके फोल्ड करके ऐड कर दीजिए और उसमें डोरी डाल लीजिए। अगर आप डोरी डाल लेते हो तो ये जो है इसको आप टाई कर सकते हो आराम से ठाकुर जी के ऊपर। तो
तो जैसे ही मैं हेमिंग को कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद मैंने एक और स्ट्रिप ली है ये घेरे पे लगाने के लिए। ये जो विड्थ है इसके 2 इंच की है और इसकी लेंथ लेनी है हमने इसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हमने इसको इस तरह से फोल्ड करना है और इसके बाद हमने इसको इस तरह से फिर से डबल फोल्ड करना है, और डबल फोल्ड करते हुए इसको इस तरह से ऊपर वाली साइड में हम इसको रख देंगे और यहाँ पे इस तरह से स्टिच लगाएंगे। और जैसे ही हम स्टिच लगाकर इसको कंप्लीट कर लेंगे तो ये जो मतलब यहाँ पे वेस्ट बेल्ट है वो बनकर नज़र आएगा। तो इसमें हमने एक डोरी डाल लेनी है ठाकुर जी को टाई अप करने के लिए। और उसके बाद हम जो चोली बनाते हैं इसकी, तो जो ये जो घेरा है वो कंप्लीट हो चुका है, बस हमें एक राउंड में ये वाली लेस और लगानी है, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। नाउ ये देखिए आप, घेरा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। घेरे कंप्लीट होने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे दो मतलब एक मैंने स्मॉल साइज़ का पीस लिया है जो कि ठाकुर जी की चोली बनाएगा। तो चोली बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक जो स्क्वायर में पीस लिया है, इसको मैंने 2 साइड्स में हेमिंग करनी है नॉर्मल। और जो हमने इसकी लेंथ है मतलब ठाकुर जी के हिसाब से थोड़ी ज़्यादा लेनी है, क्योंकि उसका कारण क्या है, यहाँ पे 2 साइड्स में मैंने कुछ इस तरह से करके इसकी हेमिंग कर लेनी है, 3rd साइड में मैंने कुछ इस तरह से हल्का सा ज़्यादा फोल्ड करके इसको जो है स्टिच लगाना है, क्योंकि हमने इसमें भी डोरी ऐड करनी है। जैसे यहाँ पे वेस्ट बेल्ट में डोरी ऐड करेंगे ठाकुर जी को टाई अप करने के लिए, वैसे ही हमने इसमें करना है। तो सेम मैंने यहाँ पे 3 साइड में स्टिचेस लगा लेने हैं, 2 साइड में मैंने हेमिंग करी है और 3री साइड में हल्का सा ज़्यादा स्टिच लगाया है, जिसमें से मैं डोरी को डाल सकती हूँ इजीली, हमारी जो डोरी है वो आ जाए। तो उतना सा आपने स्टिच लगाना है। तो ये मैं 3 साइड में स्टिच लगा रही हूँ इसके, और 1 साइड को आप ऐसे क्या ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो ये जो हमारा पीस जो है बनकर रेडी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने डबल फोल्ड करके सिंपल स्टिच लगाया, यहाँ से हम डोरी को ऐड कर लेंगे। जब हम डोरी डालेंगे तो इसके बाद हमने क्या करना है, ये वाली हमारे ठाकुर जी की ड्रेस की बैक साइड होगी, क्योंकि हमने इसमें से हम ठाकुर जी के पहनाएंगे, और ये वाली फ्रंट में आएगी। तो यहाँ पे हम इसको ऐड कर देंगे और यहाँ पे सिंपली हमने इसके अंदर डोरी डालनी है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टिच लगाया है। तो कोई भी आप पाइपिंग वाली डोरी या फिर मकरेम का धागा या गोल्डन लटकन वाली डोरी आप डाल सकते हो, और यहाँ से एक स्टिच लगाना है। तो ये जो चोली इसके साथ अटैच हो जाएगी वो मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ। तो चोली के अटैच हो जाने के बाद ये वाली हमारी जो चोली बन गई, यहाँ पर हम एक डोरी यहाँ पर डालेंगे, मतलब जो है एक इधर से धागा आ जाएगा, एक इधर से धागा आ जाएगा, जो कि ठाकुर जी के इस तरह से नेक में आ जाएगा। और वैसे ही हम जो घेरे में एक डोरी डालेंगे जो कि आपस में यहाँ पे टाई अप कर देंगे। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर सी फ्रिल वाली ड्रेस जो है वो बनकर रेडी हो जाती है। इस तरह से आप किसी भी कंट्रास्ट फैब्रिक में आप इसको बना सकते हो, और इसके साथ ठाकुर जी की सेम हैड भी बना सकते हो। इसकी मैंने वीडियो काफ़ी दिन पहले जो है अपलोड कर रखी है अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। बहुत ही सिंपल सी इसकी हैड है और बहुत इजी है। तो कैसे लगी आज की आपको वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए आइडिया के साथ। राधे राधे फ्रेंड्स।